आई की वीडियो में ही बात करे वाला छे। अगर अपने के पास भी ओप्पो A9 छे तो क्या ना अपने 4 डिजिट के पासवर्ड के सेट करे सके छे। तो आई की वीडियो हम यहाँ सीखेबे और ई चैनल पर पहली बार आयल छे तो चैनल के सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन के बटन जरूर दबाई दे कहने के अपने के लिए ऐसा ऐसा वीडियो बनाते रहे इसके। और कोनो फोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, UPI से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड अपने की जानकारी चाहिए तो हमारा कमेंट्स करके बतवा सके छे। तो अपने के सबसे पहले सेटिंग्स के कर ले ओपन। सेटिंग्स के अपने को ओपन करे के बाद जैसे अपने के ऐसा इंटरफेस देखे लिए मिल जाए। अब जैसे अपने को ऊपर की ओर स्क्रॉल करे स्क्रॉल करे के बाद जैसे अपने यहाँ पर देखे सके लिखल छे फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। तो अपने की पर क्लिक कर दी छे। क्लिक करे के बाद अपने के ऐसा इंटरफेस देखे लिए मिल जाए। अब यहाँ पर देखे सके छे सबसे टॉप में जैसे लिखल छे लॉक स्क्रीन पासवर्ड। तो अपने की पर क्लिक कर दी छे। क्लिक करे के बाद अपने के सबसे टॉप में देखे सके छे लिखल छे टर्न ऑन पासवर्ड। तो अपने की पर क्लिक करे छे। क्लिक करे के बाद जैसे अपने के यहाँ पर क्लिक कर दी छे। और बाद जैसे अपने यहाँ पर देखे सके छे 4 डिजिट नंबर पासवर्ड और 4 से 16 डिजिट तक अपने पासवर्ड डाले सके छे। तो हमें जैसे 4 डिजिट पर क्लिक करे छे। और अगर अपने के भी 4 डिजिट के सेट करे छे तो अपने के 4 डिजिट यहाँ पर डाल दै छे जे भी अपने के पासवर्ड रखे छे। ओकर बाद जे छे अपने के यूज पर क्लिक कर दै छे। ओकर बाद अपने के दोबारा से वह डाले छे जे अपने डाल ले रहिए। ओकर बाद जे छे यहाँ पर अपने से ईमेल आईडी मांग रहल छे। जेना कि बाय चांस जे छे अपने 4 डिजिट पासवर्ड भूल जाइ छे तो अपने ईमेल आईडी डाल के खोले सकै छे। तो अगर अपने के ईमेल आईडी नहीं डाले छे तो अपने के यहाँ पर कैंसिल कर दै छे। तो आई के वीडियो में अपने सीख गए 4 डिजिट के पासवर्ड केना सेट करल जाए छे। और कोनो फोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, UPI से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड अपने जानकारी चाहिए तो हमारा कमेंट्स करके बतवा सके छे। और हमारे वीडियो देखे के लिए शेयर सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन के बटन जरूर दबाई दे। तब तक के लिए नमस्कार।